गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, दिस इज सुरेश बशीर एंड वेलकम टू सूरा टेक्निकल। सो गाइस, आज हमारा स्टेज से लेक्चर रिलेटेड जो लेक्चर नंबर 34 है, एंड आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस ओवर फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। गाइस ओवर फ्लो प्रॉपर्टी क्या है एंड इसको जो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं सी एस एस के अंदर, तो गाइस आज देखते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैंने गाइस एचटीएमएल की स्ट्रक्चर क्रिएट कर दी है, एंड देन गाइस यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एचटीएमएल की जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, देन यहाँ पे जो फाइल का नाम गाइस यहाँ पे मैंने दे दिया है ओवर फ्लो प्रॉपर्टी डॉट एच टी एम एल। ओके, तो गाइस सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक जो है पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ। अब गाइस यहाँ पे पैराग्राफ के लिए गाइस टेक्स्ट के लिए गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रोम पे, एंड यहाँ पे जो लोरियम से कुछ जो गाइस यहाँ पे मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करता हूँ, एंड देन गाइस यहाँ पे आके एच में कंट्रोल वी कर लेता हूँ एंड वन टाइम मोर। ओके, गाइस यहाँ पे मैंने थ्री टाइम पेस्ट कर दिया। अब गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ अगेन। अब गाइस बात कर रहे हैं स्टाइलिंग की, तो स्टाइलिंग गाइस जो हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नली नहीं इंटरनली यूज़ करने वाले, तो गाइस उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टाइल का टेक एंड स्टाइल का टेक क्लोज स्टाइल टेक क्लोज। ओके, यहाँ पे हेड सेक्शन, यहाँ पे स्टाइल के बाद जो यहाँ पर हेड सेक्शन को लेते हैं क्लोज। ओके, तो वैसे अब जो भी हमारी स्टाइलिंग गाइस हमें करनी होगी वो जो हम लोग स्टाइल टैग के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ को गाइस यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। क्लास को डबल कोटेशन विल बी वन, क्लास का जो यहाँ पे नाम रख दिया वन। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डॉट वन इसलिए इसके एक क्लास है कर्ली ब्रेसेस। देन गाइस यहाँ पे हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर विल बी ग्रे। बॉर्डर भी सेट कर लेते हैं, बॉर्डर थ्री पिक्सल सॉलिड ग्रीन, चलो रेड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे गाइस कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, एंड जो यहाँ पे रन के ऑप्शन में जाके क्रोम में गाइस मैं इसको ओपन करता हूँ। तो गाइस अब जो गाइस जो कंटेंट गाइस जो हमारा वो गाइस जो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। ओके गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए गाइस अंदर वाली साइड पर गाइस अगर हमें स्पेस क्रिएट करना हो तो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पैडिंग। तो उसके लिए गाइस जो यहाँ पे हम लोग थोड़ी पैडिंग सेट कर लेते हैं, पैडिंग विल बी 10 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, सेव किया, गाइस यहाँ पे एज को करता हूँ रिफ्रेश। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ से साइड जो यहाँ पे स्पेस है क्रिएट हो चुका है। ओके, अब गाइस हम लोग बात करते हैं। ओके गाइस सबसे पहले एक और पॉइंट गाइस यहाँ पे हाइट भी इसकी सेट कर लेते हैं, हाइट गाइस यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं 120। वह जैसे ही गाइस यहाँ पे मैंने 120 गाइस तो इस पूरे की जो गाइस यहाँ पे क्लास थी उसकी एच यहाँ पे पूरी हाइट हो गई है 120 जो बॉर्डर था उसकी। तो गाइस यहाँ से जैसे यहाँ पे इसकी जो साइज हो गई 120 हो गई, तो गाइस जो बाकी जो गाइस जो हमारा टेक्स्ट बचा था गाइस वो जो हमारे बॉर्डर बॉक्स से बाहर आ चुका है। ओके गाइस एक और प्रॉपर्टी गाइस जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइन के नाम से, तो हमने पहले भी यूज़ की हुई है, तो ये क्या करेगा गाइस हमारे टेक्स्ट को जस्टिफाई वगैरह करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, जस्टिफाई ये क्या करेगा गाइस जो अभी हमारा कंटेंट है उसको सीरीज में करके एक ही साथ चारों साइड पे बराबर कर देगा। जब आपने देखा कि इसी तरीके से गाइस यहाँ पे लाइन हाइट की है जो प्रॉपर्टी में कर लेता हूँ 100, ताकि आपको जो सही तरीके से नज़र आए। तो जैसे गाइस यहाँ पे मैंने 100 किया, आप गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस जो गाइस यहाँ पे बॉक्स बॉर्डर की साइज हो गई 100 है। उसके बाद गाइस जो भी हमारा गाइस कंटेंट बचता है गाइस वो जो बॉर्डर के बाहर आ चुका है गाइस, तो मैं चाहता हूँ वैसे जो बॉर्डर के बाहर ना आए बॉर्डर के अंदर ही आए, ठीक है। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करूँगा, तो उसके लिए गाइस हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी है हमारे पास ओवर फ्लो की, तो गाइस यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अब यूज़ करने वाला हूँ ओवर फ्लो की। सबसे पहले गाइस यहाँ पे ओवर फ्लो का वर्ड लिखूँगा, देन गाइस यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है जैसे गाइस स्क्रॉल है बस। तो गाइस यहाँ पे जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो गाइस ये क्या कर देगा, अब गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई स्क्रॉल बार वगैरह नहीं नज़र आ रही है। तो गाइस जैसे ही स्क्रॉल का गाइस यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, तो गाइस ये जो है
लेफ्ट साइड पे एंड गाइस बॉटम साइड पे जो एक स्क्रॉल बार हमें क्रिएट करके देगा, जिसके थ्रू गाइस जो हम लोग टेक्स्ट को स्क्रॉल करके रीड कर सकते हैं। एंड गाइस जितना भी टेक्स्ट गाइस वो जो एक बॉक्स बॉर्डर के अंदर आ जाएगा। अब गाइस यहाँ से मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश। गाइस अब आपने देखा गाइस जो हमारा जितनी बॉक्स की साइज़ थी उसी बॉक्स की साइज़ के अंदर ही टेक्स्ट आ गया। अब गाइस जो बचा गाइस जो टेक्स्ट जो बाहर नज़र आ रहा था गाइस वो जो अंदर आ चुका है अब आप देख सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे भी गाइस जो हमारे पास एक स्क्रॉल बार नज़र आ चुकी है, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमारे पास कोई इतना टेक्स्ट नहीं है जस्टिफाई किया हुआ है, यहाँ तक सिर्फ लेफ्ट राइट इक्वल है। ओके अब गाइस एक और वैल्यू यहाँ पे गाइस हम लोग हिडन भी यूज़ कर सकते हैं, हिडन है तो हिडन क्या करेगा गाइस। ओके एक मिनट, तो गाइस आपने देखा हिडन में गाइस ये आया कि गाइस जितना हमारा गाइस टेक्स्ट या कंटेंट है गाइस वो जो बॉक्स बॉर्डर में आ सकता है वो आएगा, बाकी जो गाइस बचा हुआ है गाइस वो जो है रिमूव कर देगा, उसको हिडन कर देगा मींस हाइड कर देगा। ओके उसके बाद गाइस एक और है यहाँ पे गाइस विजिबल की है, विजिबल है और विजिबल गाइस क्या करेगा, विजिबल जितना भी गाइस टेक्स्ट है जो गाइस जो बाकी गाइस जो कंटेंट हमारा बचता है बॉक्स के बाहर तो उसको गाइस जो है विजिबल कर देगा, शो कर देगा। मतलब इस तरीके से गाइस यहाँ पे ऑटो है, इनिशियल है, वह आप यूज़ कर सकते हैं। मैं गाइस आपको यहाँ पे ऑटो यूज़ करके दिखाता हूँ, ऑटो है ऑटो। तो गाइस ऑटो में क्या होगा, जिसने ऑटो में गाइस जिसने क्या किया गाइस जस्ट यहाँ पे हमें जो लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल बार दिया गया जिसके थ्रू गाइस हम लोग पूरे कंटेंट को जो रीड कर सकते हैं। और स्क्रॉल में गाइस क्या था गाइस वो जो लेफ्ट साइड पे भी गाइस हमें एक स्क्रॉल बार दे रहा था और गाइस जो राइट साइड पे भी हमें एक स्क्रॉल बार दे रहा था। तो गाइस ये ऑटो और स्क्रॉल में डिफरेंट। इसी तरीके से गाइस एक और वैल्यू गाइस आप जो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इनिशियल के नाम से है, इनिशियल। ओके गाइस यहाँ पे अब गाइस जो मैं पेज को कर लेता हूँ रिफ्रेश। तो गाइस अब आपने देखा गाइस ये भी वही काम कर रहा है गाइस जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट था या जो है विजिबल था वही काम कर रहा है ये भी, बाकी जो गाइस हमारा कंटेंट बचा है बॉक्स के बॉटम गाइस जो उसको विजिबल कर रहा है। ओके तो गाइस ये थी हमारी वैल्यूज, इनिशियल गाइस जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक और वैल्यू है इनहेरिट, वो भी यूज़ कर लेते हैं इनहेरिट। ओके गाइस यहाँ से मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, एक मिनट यहाँ पे इनहेरिट। ओके इनहेरिट तो ओके तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास और फ्लो प्रॉपर्टी की गाइस जो कुछ वैल्यूज थी तो गाइस हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये भी इसी तरीके से अप्लाई होती है, जैसे गाइस इनिशियली ये भी डिफॉल्ट टाइप जो वैल्यू यहाँ पे यूज़ होती है। इनहेरिटर में गाइस ये क्या करेगा, बाकी कंटेंट गाइस जो भी हमारा बचता है उसी को जो विजिबल कर देगा। ओके तो गाइस ये था आज का हमारा लेक्चर ओवर फ्लो प्रॉपर्टी के ऊपर। आज का लेक्चर है जो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का क्वेश्चन तो गाइस आप जो कमेंट बॉक्स में राइट करके ऐसे पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।